पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारी पल्सेस का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, लेकिन उनकी विड्थ जो होती है वो सेम रहती है। इसमें हम जो हमारे पल्सेस होते हैं उनका जो टॉप होता है वो फ्लैट टॉप होता है, उसको हम इंस्टेंटेनियसली फ्लैट टॉप लेते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लैट टॉप नहीं होते तो उसमें डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाती हैं और नॉइज़ को सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम उसमें फ्लैट टॉप का यूज़ करते हैं। इसमें हम दो फैट यूज़ करते हैं। इसमें जो ये है पहला फैट है, इसको हम स्विचिंग सैम्पलिंग स्विच बोलते हैं, और दूसरा है जिसको हम डिस्चार्ज स्विच बोलते हैं, और एक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं XT। ये हमारी इनपुट है जो कि हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में चेंज करना है। जो ये हमारा सैम्पलिंग और होल्ड सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट हमारा सैम्पलिंग एंड होल्ड सर्किट है। इसकी जो पैम की जो वर्किंग होती है वो ईजी होती है। सैम्पलिंग और होल्ड सर्किट जो कि दो फैट कंसिस्ट करता है, एक कैपेसिटर कंसिस्ट करता है। इसमें जब हमारा सैम्पलिंग स्विच क्लोज होता है, सैम्पलिंग स्विच जब क्लोज होता है तो एक हम शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स अप्लाई करते हैं गेट वन के थ्रू ट्रांजिस्टर को, यहाँ से एक शॉर्ट पल्स अप्लाई की जाती है, और इस पीरियड में हमारा जो कैपेसिटर सी है वो चार्ज करना स्टार्ट करता है और क्विकली चार्ज करता है, और ये उस वोल्टेज तक चार्ज करता है जहाँ तक हमारी सैम्पल वैल्यू इनकमिंग सिग्नल आ रहा है। यहाँ से मैं इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा कैपेसिटर चार्ज करता है उसकी सैम्पल वैल्यू तक। और उसके बाद जब हमारा सैम्पल स्विच ऑन हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर होल्ड करके रखता है हमारे सैम्पल को, जो सैम्पल चार्ज हुआ था वो जब ये ऑन हो जाता है तो हमारा ये सिग्नल इसको होल्ड करके रखता है हमारी चार्जिंग को, और इस टाइम पे हमारा ये वर्क नहीं करता। और उसके बाद जब हमारा कैपेसिटर है होल्ड करता है हमारे चार्ज को, फिर ये डिस्चार्ज स्विच के थ्रू डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है। यानी होल्ड करने बाद इसके बाद ये हमारा स्विच क्लोज हो जाता है और इसके थ्रू ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे ये स्विच सैम्पलिंग स्विच वर्क नहीं कर रहा है और डिस्चार्ज स्विच वर्क कर रहा है, और इसके थ्रू वो डिस्चार्ज करता है। और डिस्चार्ज करने के बाद इसके G2 के थ्रू, गेट 2 के थ्रू हम पल्स अप्लाई करते हैं डिस्चार्ज स्विच में पल्स अप्लाई, और ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है जिसके थ्रू हमने पल्स अप्लाई की है, और कैपेसिटर इस टाइम पे जो कैपेसिटर है 0 वोल्ट तक डिस्चार्ज करेगा, और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो हमारा ये स्विच ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद ये 0 वोल्ट पे हो जाता है और वर्क करना बंद कर देता है, और आउटपुट जो हमारी आउटपुट आता है एक सैम्पलिंग के फॉर्म में आती है। ये हमारा इनपुट सिग्नल है XT जिसको हमने इनपुट पे अप्लाई किया है, और आउटपुट पे हमें कुछ ये सिग्नल मिलता है जिसको हमने GT से डिनोट करते हैं। इसके फ्लैट टॉप्स होते हैं, ये जो देखो इनके टॉप हैं जो वेव फॉर्म से बाहर आ रहे हैं, ये फ्लैट टॉप हैं ताकि नॉइस को इजीली रिमूव किया जा सके, इसलिए इन्हें फ्लैट टॉप सैंपल बोलते हैं। ये हमारा XT हमारा इनपुट सिग्नल है और GT हमारा आउटपुट सिग्नल है। अगर हम इसके वेव फॉर्म्स देखें तो जो हमारा फ्लैट टॉप पैम है उसमें जो इंस्टेनियस वैल्यू होती है, बैंड विड्थ होती है, ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है XT जो कि हमने इनपुट से अप्लाई किया था, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू हो जो हमारी इंस्टेंट वैल्यू होती है बैंड सिग्नल होता है उसको हम सैम्पलिंग करना स्टार्ट करते हैं, उनकी हम सैम्पलिंग करते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारी सैम्पलिंग है जो कि हमारा ये हमारा ST जो कि हमारी सैम्पलिंग शो कर रही है, जिसको इंस्टेंटेनियसली सैम्पल सिंगल बोला गया है सिग्नल बोला गया है। ये हमारा सैम्पलिंग सिग्नल, हम वेव को सैम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद एक पल्स सेंड करते हैं, एक कांस्टेंट पल्सेस विड्थ की फंक्शन कांस्टेंट पल्सेस विड्थ का फंक्शन सेंड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो पल्सेस होती हैं ये हमारी एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वैरी करती हैं, और
ये जो ये हमारी कॉन्स्टेंट विड्थ है और इसका जो विड्थ होती है हमारी हर एक पल्स की वो टाओ के इक्वल होती हैं, और इसको हम कॉन्स्टेंट पल्स विड्थ फंक्शन बोलते हैं, जिसे एच टी से डिनोट किया है। और उसके बाद हमारे जो पल्स हैं हमारे सैंपल्स के अकॉर्डिंग वैरी करती हैं, हमारी पल्सेस वैरी करती हैं और एक फ्लैट टॉप क्रिएट करती हैं। ये फ्लैट टॉप सैंपल पैन है और इसमें जी टी यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो इज इक्वल टू होती है एस टी। एस टी हमारा क्या था, जो हमारे सैंपल सिग्नल था इनटू एच टी। एच टी हमारा था जो हमारा विड्थ फंक्शन था, पल्स विड्थ फंक्शन था, इसके इक्वल होती है एस टी इंटू एच टी के। अब इसकी डीमोडुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम पैम सिग्नल को होल्डिंग सर्किट में भेजते हैं। होल्डिंग सर्किट हमारे सिग्नल को होल्ड करके रखता है कुछ टाइम के लिए, और लो पास फिल्टर में से पास करने के बाद हमारे पास एक डीमोडुलेटेड सिग्नल मिलता है, यानी कि वापस से हमें मॉडुलेटिंग सिग्नल मिल जाता है। रिवर्स प्रोसेस को डीमोडुलेशन बोलते हैं। इसमें हम ये जो हमारा सर्किट है ये हमारा एक होल्डिंग सर्किट है, जो पैम सिग्नल है वो अलाउ करता है, जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है वो अलाउ करता है होल्डिंग सर्किट में, यानी कि पैम सिग्नल हमारे होल्डिंग सर्किट में जाता है और फिर लो पास फिल्टर में जाता है, और जो हमारे सैंपल जो होल्डिंग सर्किट है वो हमारे सर्किट को होल्ड करके रखते हैं। इसको जीरो ऑर्डर होल्डिंग सर्किट बोला गया है। एस हमारा स्विच है, और जबकि यानी कि जब हमारी पल्स आती है उसे अराइव करने के बाद, उसे कैरी करने के बाद ये उसे होल्ड करके रखता है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो उस पल्स तक उस टाइम पे चार्ज करता है जब वो उसे होल्ड करके रखता है और पल्स एम्पलीट्यूड तक चार्ज करता है, और उसके होल्ड करने के बाद जो वैल्यू ड्यूरेशन होता है हमारा, इंटरवल होता है दो पल्सिस का, यानी दो पल्सिस के बीच में जो इंटरवल होता है वो हमारा उस तक चार्ज करता है और सैंपल वैल्यू को होल्ड करता है, और उसके बाद होल्डिंग सर्किट की एक स्मूथ आउटपुट आती है जो कि लो पास फिल्टर में से पास की जाती है। जो ऐसे कि ये हमारा होल्डिंग सर्किट है, होल्डिंग सर्किट की आउटपुट कुछ इस तरह की होगी। ये हमारी होल्डिंग सर्किट की आउटपुट है। इस टाइम पे जो हमारा कैपेसिटर, जैसे कि मैंने कहा जब स्विच ऑन होता है, यानी ऑन होता है, ऑन मतलब कि जब करंट पास कर रहा है, ये कहने का मतलब है, जब ये ऑन है तो हमारा कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज करता है, यानी कि ये इसको, इस पल्स को और इसकी एंड तक चार्ज करता है, उसको होल्ड करके रखता है। इस तरह से ये सारी पल्सेस को एक दूसरे के साथ होल्ड करता है, और जिससे हमें ये हमारे सैंपल होल्ड सिग्नल है जो कैपेसिटर के थ्रू होल्ड, स्विच के थ्रू होल्ड की गई है, उसके बाद हम एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्रिएट करते हैं। ये हमारी जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो एक्स टी है, जिसको हमने पहले इनपुट करवाया था। इसको जीरो ऑर्डर होल्डिंग सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पल्स को सिर्फ एक वन बाय वन सब पल्सिस को एक एक करके होल्ड करता है। इसमें कुछ तरह के डिस्टोर्शंस भी क्रिएट हो जाती हैं, इसी ये एक एक करके सारी को होल्ड करता है, इसलिए इसे जीरो ऑर्डर होल्डिंग सर्किट कहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर होल्डिंग सर्किट होते हैं वो पहली दो सैंपल्स को होल्ड करके रखता है, जो थर्ड ऑर्डर सैम्पलिंग सर्किट होते हैं वो पहले तीन सैंपल्स, यानी कि जो अगर जो पहले ऑर्डर वाले होंगे वो दो सैंपल को होल्ड करेंगे, पहली और दूसरी। जो थ्री ऑर्डर वाले होंगे वो जो थ्री ऑर्डर वाले होंगे वो टू सैंपल्स को होल्ड करेंगे, जो फोर ऑर्डर वाले होंगे वो थ्री सैंपल्स को होल्ड करेंगे, और जीरो ऑर्डर वाले सिर्फ एक सैंपल को एक टाइम में होल्ड करते हैं, इसलिए इसे जीरो ऑर्डर होल्डिंग सर्किट बोलते हैं। इसमें कुछ डिस्टॉर्शंस भी आ सकती हैं, और इस तरह से हमारे पास एक आउटपुट मिलती है। ये आउटपुट हमारी लो पास फिल्टर की आउटपुट होती है, जिसे हमें एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाता है एक्स टी, जो कि हमें आउटपुट पे चाहिए था। यह है डीमॉड्यूलेशन ऑफ